हाँ जी बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। तो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर नंबर 3 एट पेज नंबर 25। तो आप अपनी बुक्स को ओपन कर सकते हो और पढ़ सकते हो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, समझ सकते हो एक बार देख के, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है रीसाइज एंड स्क्यू। तो क्या होता है ये रीसाइज और स्क्यू? दीज आर द कमांड्स इन पेंट, ठीक है। वी कैन रीसाइज एन इमेज इन एवरी एक्सपेक्ट वी वॉन्ट। देखो, हम कोई भी पिक्चर बनाते हैं पेंट में तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रीसाइज कर सकते हैं, मतलब उसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। द रीसाइज कमांड चेंजेस द ड्राइंग बाय मेकिंग इट नैरोर, वाइड, शॉर्टर और लॉन्गर। तो रीसाइज से हम क्या कर सकते हैं, कमांड से हम अपनी ड्राइंग को नैरो कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, शॉर्टर छोटी कर सकते हैं या बड़ी कर सकते हैं। यू विल आल्सो नोटिस दैट चेंजेस इन द इमेज कैन आल्सो बी मेड बाय मूविंग द वन एंड एंड नॉट द अदर। दिस इज डन यूजिंग द स्क्यू कमांड। देखो, आपके फोन्स में भी ये ऑप्शन होती है कि क्या कर सकते हो आप, एक साइड से छोटा करो इमेज को, आपको दूसरी साइड को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वन साइड से आप उस इमेज का साइज़ को छोटा कर सकते हो। इस कमांड को क्या बोलते हैं, स्क्यू कमांड। ओके बच्चे, द स्क्यू कमांड चेंजेस वन एंड ऑफ द ड्राइंग व्हाइल कीपिंग द अनदर एंड फिक्स। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक एंड को ही हिलाना पड़ता है, दूसरे एंड को हमने छेड़ना नहीं है। टू रीसाइज और स्क्यू एन इमेज फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं ये लिखे हुए हैं, सेलेक्ट द इमेज विच इज़ टू बी रीसाइज और स्क्यू। आप सबसे पहले उस इमेज को सेलेक्ट करोगे, क्लिक रीसाइज इन द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में क्या करोगे, रीसाइज का बटन को क्लिक करोगे। द रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर। रीसाइज या स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जैसे कि ये वाला बॉक्स हो रहा है, आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर नहीं है। नाउ डू वन ऑफ द फॉलोइंग टू रीसाइज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। क्या करना पड़ेगा आपको, एंटर द परसेंटेज बाय विच यू वांट टू चेंज द पिक्चर। आपको वहाँ पे अपनी मर्जी से परसेंटेज कोई भी भर सकते हो, बार बार चेंज करके देख सकते हो कि हाँ हमें कितनी बड़ी इमेज चाहिए या कितना रीसाइज करना चाहिए। क्लिक ओके बटन। तो बाद में क्या कर दो, ओके बटन को क्लिक कर दो। टू स्क्यू हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वो था रीसाइज करने के लिए। स्क्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटर एन एंगल बिटवीन -89 एंड +89 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्क्यू करने के लिए या तो आप एंगल -89 और +89 के बीच बीच में ही होना चाहिए, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या करो, क्लिक ओके बटन। उसके बाद हमारा टॉपिक है फ्लिप एंड रोटेट। अच्छा, आप अपने मोबाइल्स में हमेशा ये चीज़ यूज़ करते हो, फ्लिप या रोटेट। रोटेट कैसे करते हो, इमेज आपको कई बार सीधी नहीं दिखती तो आप उसको, जैसे मैं मोबाइल में शो कर रहा हूँ, ऐसे आप टेढ़ा कर सकते हो, इसको बोलते हैं रोटेट। और जब आप इस इमेज को, इमेज का राइट वाला पार्ट लेफ्ट पार्ट में और लेफ्ट वाला पार्ट राइट पार्ट में कर दो, उसको क्या बोलते हैं, फ्लिप। ओके बच्चे, दिस कमांड इज़ यूज टू रोटेट द ड्राइंग। ए सर्कल हैज़ 360 डिग्रीज। एक पूरे सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। देखो, जैसे ये इमेज घूम रही है तो ये टोटली यहाँ पे आने पे इसको कितना एंगल बनाया इसने, 360 डिग्री का। एक सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का। सो इट कैन बी रोटेटेड एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। तो ये पूरे 360 एंगल पे रोटेट हो सकता है, ठीक है जी। ये है 360 एंगल। यू कैन ईजिली रोटेट एनीथिंग एंड डिफरेंट एंगल्स और डिग्री। आप किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हो, किसी भी डिग्री पे रोटेट कर सकते हो। हाँ जी, ऑन आवर वेरी नेक्स्ट पेज, फॉर एग्जाम्पल ए स्केल विच इज़ कैप्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन। जैसे यहाँ पे देखो, एक स्केल है जो हॉरिजॉन्टल पोजिशन में रखा हुआ है, आप उसको वर्टिकल पोजिशन में भी रख सकते हो। हॉरिजॉन्टल पोजिशन वो होती है जिसमें
स्केल सीधा पड़ा है, मतलब सीधा तो दोनों पोजीशन में होगा, जिसमें स्केल हिंदी में बोलो तो लेटने की पोजीशन में पड़ा है, और वर्टिकल पोजीशन वो होती है जिसमें कोई चीज़ ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्केल विच इज़ कैप्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन कैन बी रोटेटेड टू वर्टिकल पोजीशन बाय रोटेटिंग इट 90 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में कैसे जा सकते हैं 90 डिग्री का एंगल को फॉलो करने के बाद। उसके बाद कैसे आप फ्लिप या रोटेट कर सकते हो, सेलेक्ट अ इमेज यूजिंग सेलेक्ट इन इमेज ग्रुप, आप उस इमेज को सेलेक्ट करो जिसको आप रोटेट या फ्लिप करना चाहते हो। क्लिक रोटेट इन इमेज ग्रुप, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगी, जैसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल होगी, फ्लिप वर्टिकल होगी, रोटेट होगी, रोटेट राइट 90 डिग्री होगी, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री होगी, रोटेट 180 डिग्री होगी। तो ये सारी ऑप्शंस, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, रोटेट, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, तो ये सारी ऑप्शंस कहाँ पे होंगी, इमेज ग्रुप में। ठीक है जी, एक ड्रॉप बॉक्स आएगा, ड्रॉप बॉक्स वो होता है जिसमें आप बॉक्स को टच करो और ऑप्शंस नीचे की तरफ आती हैं। आपके मोबाइल्स में जनरली ये फीचर होता है ड्रॉप बॉक्स का, नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे। ओके जी, तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन अपनी सेलेक्ट कर लो और उस हिसाब से, उस एंगल से वो पिक्चर क्या होगी, रोटेट हो जाएगी। जैसे कि ये देखो, ये है नॉर्मल इमेज सबसे पहले, उसके बाद ये नॉर्मल पोजीशन को क्या किया, हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया, उसके बाद वर्टिकली फ्लिप किया, उसके बाद 90 डिग्रीज पे रोटेट किया है इस इमेज को। उसके बाद है इनवर्ट सेलेक्शन, इनवर्ट सेलेक्शन कैसे कर सकते हो आप, क्या होती है इनवर्ट सेलेक्शन, पहले ये देखेंगे। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट अ इनवर्ट एरिया ऑफ योर सेलेक्शन, दैट इज़ टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ इमेज विच इज़ नॉट नाउ सेलेक्टेड, वी यूज़ इनवर्ट कमांड। देखो, आपने कोई ऐसा पार्ट सेलेक्ट किया जो आपको नहीं चाहिए, अब पहले आपने सेलेक्ट किया था और अब आपको वो पार्ट छोड़ के बाकी सारा पार्ट चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट, इन्वर्ट कमांड। नाउ इट शोज सेलेक्ट नॉन सेलेक्टेड एरिया ऑफ द पिक्चर, व्हेन यू मूव द इन्वर्ट सेलेक्टेड एरिया देन यू फाइंड दैट ओनली इन्वर्ट सेलेक्टेड एरिया इज मूव। तो आप देखोगे कि इन्वर्ट सेलेक्टेड एरिया ऑप्शन यूज़ करने पर क्या होगा, जो एरिया आपने सेलेक्ट नहीं किया था अब सिर्फ वो मूव करेगा देन द सेलेक्टेड एरिया। सेटिंग योर पिक्चर एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अब आपने पेंट में तो इमेज बना ली, ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, उस इमेज को आपने अपने डेस्कटॉप पे लगाना है। ठीक है, तो आप कैसे लगा सकते हो, यू कैन सेव एंड सेट योर पिक्चर इन पेंट एज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आप अपनी कोई भी इमेज को जो आपने पेंट में बनाई है वो आप अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लगा सकते हो, जहाँ पे वो विंडो वाली ऑप्शन आती है वहाँ पे आप अपनी बनाई हुई इमेज को लगा सकते हो। कैसे, टू सेट योर पिक्चर एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड फॉलो द गिवन स्टेप, ओपन योर प्रीवियसली सेव्ड इमेज, आप उस सेव्ड इमेज को सबसे पहले क्या करोगे, इमेज को सेव करोगे, सेव इमेज को ओपन करोगे, क्लिक ऑन पेंट बटन एंड सेलेक्ट सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और उस इमेज में पेंट बटन को सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड बटन को सेलेक्ट करोगे। अ सब मेनू अपीयर्स, एक छोटा सा मेनू दिखेगा आपको, चूज एनी ऑफ द थ्री ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, फिल, टाइल और सेंटर, ये आपको ऑप्शंस के बारे में भी बता दिया जाएगा। एंड योर पिक्चर विल बी सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड अकॉर्डिंगली, तो उस हिसाब से आपकी पिक्चर डेस्कटॉप पे फिल हो जाएगी। ठीक है जी, क्लिक शो डेस्कटॉप बटन ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार टू सी योर डेस्कटॉप, तो आप शो डेस्कटॉप बटन पे क्लिक करो तो एक बार आपको वो आप दिखा देगा कि आपका डेस्कटॉप कैसा दिखेगा इस इमेज को लगाने के बाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।